हेलो फ्रेंड्स, सिंगिंग एक ऐसा टैलेंट है जो होता बहुत लोगों के पास है, पर सिंगिंग में कामयाब हर कोई नहीं हो पाता, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत, त्याग, धैर्य और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। और ये सब सुनने में आसान लगता है, पर इतना आसान होता नहीं है। आज के वीडियो में हम जिस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक सेल्फ मेड स्टार हैं और उन्होंने सफलता के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेबैक सिंगर और परफॉर्मर स्टीवन बेन की। स्टीवन बेन के फैंस की संख्या आज करोड़ों में है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने केवल 5 लोगों की ऑडियंस में परफॉर्म किया और उस टाइम उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, और ये तो उनके स्ट्रगल की शुरुआत थी। अपने आप को कामयाबी तक पहुंचाने में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम स्टीवन बेन के संघर्ष से सफलता तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। वो पहली नजर, वो चेहरा तुम्हारा जब। स्टीवन बेन का जन्म 9 मार्च 1993 को भोपाल मध्य प्रदेश में एक क्रिश्चियन मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। स्टीवन को बचपन से ही गाने गाना पसंद था, पर वो बचपन में बहुत शर्मीले हुआ करते थे, इसीलिए वो किसी के सामने गाने नहीं गाया करते थे। मैं बहुत ही शाय बंदा, मुझसे ना, मैं बहुत ही शाय था स्कूल में। बचपन से ही स्टीवन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर तब उनका ध्यान सिंगर बनने का बिल्कुल नहीं था। कभी वो सोचते थे कि वो क्रिकेटर बनेंगे, कभी वो पायलट बनने के सपने देखते थे और कभी इंजीनियर बनने के। उनका उद्देश्य कुछ भी करके कुछ बड़ा करने का हुआ करता था। एक बार स्टीवन के स्कूल में उनकी टीचर ने स्टीवन को गाना गाने को कहा। ये पहला मौका था जब स्टीवन ने कई लोगों के सामने कुछ गाया। वो गाने से पहले बहुत शर्मा रहे थे, इसीलिए मुश्किल से उन्होंने 3-4 लाइनें ही गाईं, लेकिन ये 3-4 लाइनें सभी को बहुत पसंद आईं। उनकी सिंगिंग की तारीफ टीचर और स्टूडेंट सभी ने की। फिर स्टीवन को स्कूल ब्रेक में या खाली क्लासेस में सभी गाने को बोलने लगे और वो गाने भी लगे। इसके बाद स्टीवन की शर्म कम होती गई और वो अपने स्कूल के सिंगर बन गए। उन्होंने स्कूल में ही कुछ दोस्तों के साथ अपना बैंड बना लिया और स्कूल इवेंट्स में वो परफॉर्म करने लगे। स्कूल में गाते गाते स्टीवन सिंगिंग के दीवाने हो गए। अब उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें सिंगर बनना है, लेकिन स्टीवन के माँ पापा चाहते थे कि स्टीवन इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाए। स्टीवन सिंगिंग के प्रति इतने पैशनेट हो चुके थे कि अब उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ना वो पढ़ाई करना चाहते थे। धीरे धीरे टाइम बीता, उनकी स्कूलिंग पूरी हो गई। स्टीवन कहते हैं कि पेरेंट्स ने फोर्स किया, इसीलिए स्कूलिंग पूरी की, वरना नहीं करते। पेरेंट्स की इच्छा के लिए ही स्टीवन ने सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। इंजीनियरिंग के दौरान भी स्टीवन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि अब वो अपना पूरा टाइम म्यूजिक को ही देना चाहते थे। 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद घर पर बिना बताए स्टीवन ने भोपाल में ही एक सिंगिंग ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में जजेस ने स्टीवन की तारीफ की और बोला, अपना फ़ोन नंबर दे जाओ, हम आपको कॉल करेंगे। स्टीवन अपने घर का लैंडलाइन नंबर उनको दे आए, क्योंकि उस टाइम उनके घर पर वही फ़ोन था। ऑडिशन के बाद घर आकर स्टीवन कॉल आने का वेट करने लगे, लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया, उनके लिए कोई कॉल नहीं आई। उसके कुछ महीनों बाद स्टीवन ने फिर से एक शो का ऑडिशन दिया। इस बार भी उनकी सिंगिंग की तारीफ की गई और नंबर ले लिया, बोला हम कुछ दिनों में आपको कॉल करेंगे। इस बार ऑडिशन देने स्टीवन अपने घर पर बता कर गए थे। ऑडिशन के बाद स्टीवन कॉल आने का इंतज़ार करने लगे, पर एक बार फिर वही हुआ। काफ़ी टाइम बीत गया, पर शो की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। ऐसे ही कुछ और ऑडिशन स्टीवन ने दिए, पर कहीं उन्हें आगे जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब स्टीवन के घर वालों ने उनसे कहा कि सिंगिंग वगैरह तुम छोड़ दो, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से करो जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। सिर्फ घर से ही नेगेटिविटी नहीं मिली थी, बल्कि जो लोग स्टीवन के साथ सिंगिंग सीख रहे थे या सिंगिंग में करियर बनाना चाहते थे, उन सब ने एक एक करके हार मान ली।
एक स्टेवन ही बचे थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। स्टेवन को लगा कि अभी शायद और भी बहुत कुछ सीखने को बचा है। अब वो गाने सुन सुनकर घर के कोने में बैठकर म्यूजिक सीखने और रियाज करने लगे। उस टाइम तक यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया था, तो स्टेवन यूट्यूब से भी म्यूजिक सीखने लगे। घर पर म्यूजिक सीखते सीखते स्टेवन ने एक और सपना देखा कि उन्हें इंडिपेंडेंट सिंगर बनना है। अब स्टेविन भोपाल में जगह जगह जाकर छोटे छोटे शोज करने लगे। स्टेविन बताते हैं कि उन्होंने जो भोपाल में पहला शो किया था उसमें ऑडियंस के नाम पर केवल 5 लोग ही थे। उस शो में उन्हें कुछ पैसे मिल गए। इसके बाद स्टेविन ने अगला शो किया, उसमें करीब 40-50 लोग आए थे और वहां उन्हें और ज़्यादा पैसे मिले। ऐसे ही उनके शोज में भीड़ बढ़ती गई और भीड़ के साथ साथ स्टेविन का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। जो भी स्टेविन के शो में आता था वो उनकी सिंगिंग का फैन बन जाता था। जब स्टेविन के शोज के बारे में उनके घर वालों को पता चला तो पेरेंट्स ने स्टेविन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। माँ पापा ने स्टेविन से कहा कि तुम पैसों के लिए क्लब वगैरह में गाने गाया करते हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं ये सब कर रहा हूँ थोड़े बहुत पैसों के लिए, सो दे डिडंट सपोर्टेड मी। दे वर ऑनेस्टली अशेम्ड ऑफ मी फॉर व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज़ आई वाज विदाउट देयर परमिशन आई वाज गोइंग टू द क्लब्स एंड आई वाज गोइंग टू दीस प्लेसेस एंड आई वाज सिंगिंग। स्टेविन सिंगिंग के दीवाने थे। वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सोच किया करते थे। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को समझाई। समय लगा उनके पेरेंट्स को ये समझने में कि स्टेविन सिंगिंग के बिना अधूरा है, और वो ये बात समझ गए और फिर फैमिली से स्टेविन को सपोर्ट मिलने लगा। कुछ टाइम ऐसा ही चला, स्टेविन की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। अब स्टेविन ने अपने घर पर एक झूठ बोला कि मुझे एक मूवी में सॉन्ग गाने को मिला है, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स उनको मुंबई भेजने को तैयार हो गए। अब स्टेविन अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई आ गए। मुंबई आकर स्टेविन को लग रहा था कि वो जल्द ही एक बड़े सिंगर बन जाएंगे, पर ऐसा उनका सिर्फ ख्याल था। और मुंबई आकर एक दो दिन में ही उन्हें समझ आ गया कि अब तक जो भी फेम उन्होंने भोपाल में पाया वो आसान था, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। मुंबई में शुरुआत में उन्हें कुछ छोटे छोटे शोज करने को मिले, पर कुछ दिनों बाद छोटे छोटे शोज भी मिलना बहुत कम हो गए। अब वो कैफे वगैरह में सिंगिंग करने लगे, जिससे उन्हें इतने भी पैसे नहीं मिल पा रहे थे जिससे वो ठीक ठाक खाना खा सकें। स्टेविन कहते हैं कि मुंबई आकर ना जाने कितनी रातें मैंने बिना खाना खाए बिताई हैं, और कभी कभी वो खाली पेट होने की वजह से सो भी नहीं पाते थे। वो तकलीफ में थे, पर ये बात उन्होंने अपने माँ पापा को नहीं बताई। वो सारी मुश्किलें खुद ही हैंडल करना चाहते थे। समय बीत रहा था और उसके साथ साथ कभी कभी मन में नेगेटिव ख्याल भी आने लगे कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं वापस लौट जाता हूँ। पर फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि स्टेविन तुमने इतने साल म्यूजिक में लगा दिए हैं, अब हार नहीं माननी है। और ऐसे ही कई बातें सोचकर वो खुद को मोटिवेट कर लेते थे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। स्टेविन को मुंबई में धक्के खाते खाते 3 साल बीत गए, और फिर वो दिन आया जब उनकी सोई हुई किस्मत ने अंगड़ाई ली। एक दिन स्टेविन को एक अवार्ड शो में परफॉर्म करने का ऑफर आया। उस अवार्ड शो में बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइजर आए हुए थे, जिसका स्टेविन को बहुत फ़ायदा हुआ। अवार्ड शो में उनकी परफॉर्मेंस सभी को बहुत अच्छी लगी, जिससे उन्हें कुछ इंटरनेशनल शोज में काम करने का मौका मिल गया। स्टेविन तो बस इसी इंतजार में बैठे थे, वो शोज करने को राजी हो गए। उन्होंने कुछ शो किए, जिसके बाद उन्हें और भी बहुत से शोज के ऑफर मिलने लगे, और देखते ही देखते स्टेविन एक इंटरनेशनल सिंगर बन गए। अब उनका शेड्यूल शोज से भरा पड़ा था, जिसका यकीन उन्हें खुद नहीं हो रहा था। अब स्टेविन को भारत में म्यूजिक एल्बम करने के भी ऑफर मिलने लगे। साल 2018 में स्टेविन को भारत की म्यूजिक कंपनी वीनस म्यूजिक की तरफ से साजन मूवी का सॉन्ग मेरा दिल भी कितना पागल है रिक्रिएट करने का ऑफर आया। स्टेविन ने ये सॉन्ग गाया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, जिसके बाद उनके लिए इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के भी दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। बात करें स्टेविन के सुपरहिट सॉन्ग की, तो साल 2019 में मेरा महबूब और रुला के गया इश्क तेरा उनके बड़े हिट सॉन्ग रहे। साल 2020 में बारिश और अफसोस करोगे गानों ने धूम मचाई, और साल 2021 तो उनके करियर का सबसे बड़े हिट सॉन्ग लेकर आया। ये सॉन्ग थे बारिश बन जाना और थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। ये सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद किए
और बारिश बन जाना सॉन्ग साल 2021 का सबसे पसंदीदा सॉन्ग साबित हुआ। प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ स्टेविन अपने लाइव शो के लिए भी बहुत फेमस हैं। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, दुबई और यूएई जैसी कंट्रीज में सैकड़ों शोज किए हैं, और इससे ये साबित होता है कि बिना ऑटो ट्यून के भी स्टेविन की आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल है। वो बिना ऑटो ट्यून के भी बहुत सुरीले हैं। स्टेविन को अपनी सक्सेस की खुशी सबसे ज़्यादा तब होती है जब वो अपने माता पिता को अपनी सक्सेस से खुश होता देखते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है। केवल 5 लोगों की ऑडियंस से शुरू हुई स्टेविन की सिंगिंग के आज करोड़ों फैन हैं, और अब उनके शोज में लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती है। स्टेविन के मुताबिक उनकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही। वो कहते हैं, कुछ करने के लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन सपनों के लिए मेहनत करना और उन्हें फॉलो करना। सिर्फ सपने देखने से ही काम नहीं चल सकता। स्टेविन हमेशा अपनी सफलता की जर्नी में सेल्फ मोटिवेटेड रहे हैं, और यही उनका सक्सेस मंत्र है। वो सबको यही सलाह देते हैं कि आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी मेरी लाइफ में इस पूरी जर्नी के बीच में, सेल्फ मोटिवेशन। एंड ये बहुत ज़रूरी है आज सबके लिए, मतलब जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, एंड मुझसे बड़े क्यों ना हो, सीनियर्स क्यों ना हो, बट सबके लिए सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ सेल्फ मोटिवेशन? अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को कहना कि यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट, तुम कर सकते हो, तुम हर दिन कर सकते हो। एंड आई लिटरली यूज़ टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू Look at the mirror and tell myself that I can actually do it. स्टेविन खुद ही अपने इंस्पिरेशन रहे हैं, और खुद को उन्होंने अपना रोल मॉडल माना है। चलिए दोस्तों, अब स्टेविन के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। मेरे बाद किसको सताओगे? मेरे बाद अपने गाए हुए सॉन्ग्स में स्टेविन के खुद के फेवरेट रोला के गया इश्क तेरा और अफसोस करोगे सॉन्ग हैं। लाइव कंसर्ट के दौरान स्टेविन सिंगिंग में इतना खो जाते हैं कि सॉन्ग के लिरिक्स भी भूल जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। स्टेविन से स्कूल टाइम में किसी ने बोला था कि तुम्हारी आवाज़ आतिफ असलम जैसी है। उसके बाद वो आतिफ असलम के फैन बन गए। आतिफ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इसके अलावा उन्होंने हिमेश रेशमिया और बाद में अरिजीत सिंह को देखकर भी बहुत कुछ सीखा है। स्टेविन को बॉलीवुड में रणबीर कपूर के लिए गाना गाना है, क्योंकि रणबीर की सिंगिंग करते हुए एक्टिंग एकदम रियल लगती है। स्टेविन अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि एक दिन वो फुर्सत में अपने फैंस से मिलें। बात करें स्टेविन के रिलेशनशिप की, तो वो फिलहाल सिंगल हैं, और आगे भी 3-4 साल तक उन्हें सिंगल ही रहना है। जो मुझे लगता है कि यूनिवर्स में मून एंड सन, जो मून एंड सन है, ये दोनों शाइन करते हैं। इसमें से कोई मून होगा, कोई सन होगा, सब लोग अलग अलग होंगे, बट सब शाइन करते हैं। सो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा बॉस, तो वही वाली बात है, सबका टाइम आता है। मे बी नेक्स्ट डे इज़ योर्स, मे बी नेक्स्ट डे किसी और का। सो आई थिंक होल हार्टेडली यार अपने ड्रीम को फॉलो करो, मेहनत करो। तुम्हें कोई यार देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल करार कितना। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी सिंगर स्टेविन बेन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपने स्टेविन के ज़्यादातर सॉन्ग सुने हैं, तो कमेंट करके बताएं उनका कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं स्टेविन अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें, और हमेशा ऐसे ही अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर फॉलो करें। अच्छा, टू स्टार्ट ऑफ बेन, तेरी आवाज ना वॉलीबॉल से बहुत ज्यादा अच्छी है, वॉलीबॉल मत खेलना। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा अब।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।